बिलासपुर में नवीन पुलिस स्टेशन का लोकार्पण किया जा रहा था। इसी बीच विधायक शैलेश पांडे ने मंच से ही बिलासपुर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा पुलिस को जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रही। उन्होंने कहा पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान छोटे व्यापारियों को परेशान किया। तारबहार और सरकंडा पुलिस स्टेशन के नवीन भवन के लोकार्पण में अजीब स्थिति बन गई जब विधायक शैलेश पांडे ने पुलिस पर ही आरोप लगाने शुरू कर दिए। शैलेश पांडे ने कहा कि बिलासपुर पुलिस को जो काम करना चाहिए वह नहीं कर रही है। बिलासपुर पुलिस की हालिया कार्यशैली में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ चुका है। लॉकडाउन के दौरान चिप्स बेचने वाले छोटे व्यापारी को भी पुलिस द्वारा परेशान कर उसे पकड़ लिया गया था, जिसके बाद उसका जुलूस निकालने का डर दिखाकर पैसे की मांग भी पुलिस द्वारा की गई थी। उन्होंने कहा कि पुलिस की कार्रवाई संदेहजनक रही है। पुलिस विभाग को काम करना चाहिए, वो पुलिस विभाग हमारे बिलासपुर में काम नहीं कर रहा है। इसका मुझे बेहद अफसोस है, बेहद खेद है। मैं किसी प्रकार का माफिया नहीं चलाता हूँ, कोई कोयले की दलाली नहीं करता हूँ, कोई खदाने नहीं चलाता हूँ, किसी प्रकार का हुक्का बार नहीं चलाता हूँ, किसी प्रकार का गुड़ाकू का फैक्ट्री नहीं चलाता हूँ। आज मैं विधायक हूँ, मेरे पार्षद हैं, मेरे एल्डरमैन हैं, हमारे सम्मानित साथी हैं। पुलिस में फोन करते हैं, थाने में बोलते हैं, देख लीजिए, एक कुरकुरे चिप्स बेचने वाले मामूली से व्यापारी को, सीधे सरल व्यापारी को थाने में ले जाकर उसको हथकड़ी पहना दी जाती है। उसका अपराध क्या है? उसका अपराध ये था कि रात को 1 बजे 12 बजे लॉकडाउन के समय उसमें व्यापार दुकान ट्रक आ गया था और वो बेचारा अनलोड कर रहा था। उसको पकड़ के थाने बंद कर दिया और उसकी बारात निकालने के लिए शहर में ले जाने लगे असलम भाई, और उससे बोला 3000 रुपए दो नहीं तो हथकड़ी पूरे शहर भर में लगा के घुमाऊंगा तेरे को। ये इसी थाने की बात है, ऐसी थाने की बात है, ये पुलिस की वर्किंग है। एक सब्जी वाला के टकरावट हो गई, उस सब्जी वाले से 3000 रुपए ले लिया और उसके बाद बोला जाता है कि कल सब्जी लेकर भी यहाँ छोड़ के जाना। ये इसी थाने की बात कर रहा हूँ मैं। अगर इस तरीके से पुलिस काम करेगी, इस तरीके से तो जनता में क्या विश्वास रहेगा। इस तरीके से काम पुलिस को नहीं करना है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।